तो हिस्टैरिसिस में क्या है, सपोज करो आपके पास एक कोई भी एक सब्सटेंस है जिसको आपने मैग्नेटाइज करना है। आपने मैग्नेट मान लो आयरन का पीस है, लोहे का पीस है, आप लोहे के पीस को मैग्नेट बनाना चाहते हैं, ठीक हो गया यहां तक? तो आप उसे किस में रखेंगे? सोलेनोइड में। सोलेनोइड में रखने का मतलब आप एच अप्लाई करेंगे या बी अप्लाई करेंगे, बी की जगह एच वर्ड ज्यादा बेटर है। तो आप एच अप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ऐसा ही होगा। तो उससे क्या होगा, सब्सटेंस मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, सब्सटेंस में आई की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप एच अप्लाई करेंगे यानी कि आप ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा, उसकी आई की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं एच वर्सेस आई का, बस करें स्टार्ट। तो ग्राफ है कि सपोज ये जो एक्सेस है, सपोज ये जो एक्सेस है, ये एक्सेस कौन सा एक्सेस है, एच का, और ये एक्सेस कौन सा है, आई का। एक एच और एक आई, ठीक है? और मैंने एक लोहे का पीस लिया, स्पेसिमेन लिया, और उसको सोलेनोइड में रख दिया, और मैंने इस तरफ करंट को पास किया। मैंने यहां करंट पास किया, यहां जान के बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ी देर में मैं करंट ऑपोजिट भी करूंगा। तो जब मैंने यहां करंट पास किया तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और जब मैं यहां करंट पास करूंगा मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो आई विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। तो मान लो अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लोहे का पीस पड़ा है, लोहे के पीस में लाखों एटम्स हैं जो आपस में कैपिटल एम आपस में कैंसिल कर रहे थे, पर जैसे ही आपने एच को इंक्रीज करना शुरू किया, ये देखो एच इंक्रीज हो रहा है, तो आपने फील्ड को बढ़ाना शुरू किया, तो सब्सटेंस मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हुआ, सब्सटेंस की आई की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो ये देखा गया कि जैसे जैसे एच बढ़ा आई भी बढ़ा, एच बढ़ा आई भी बढ़ा, एच बढ़ा आई बढ़ गया। तो ये ग्राफ प्लॉट किया गया कि आप एच को बढ़ाते जा रहे हो, आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? अब क्या हुआ इसमें, एच बढ़ने से आई बढ़ा। अब इसके अंदर मैंने और एच अप्लाई किया पर आई ने बढ़ना बंद कर दिया। मैंने और एच अप्लाई किया, आई ने बढ़ना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जितना सब्सटेंस ने मैग्नेट बनना था वो बन गया। आप तो इनफाइनाइट एच अप्लाई करते जाओगे, आपका क्या है, आप तो पता नहीं कितने टेस्ला लगा दोगे, पर सब्सटेंस की लिमिट है, उससे ज्यादा वो और मैग्नेट बन नहीं सकता क्योंकि उसके सारे एटम्स का डायपोल मोमेंट एक तरफ अलाइन हो चुका है, इस तरफ लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो गया, सारा एक तरफ हो गया। क्लियर है यहां तक? अब सब्सटेंस कहते हैं कि मैं और मैग्नेट नहीं बन सकता, बस मेरी आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, काम खत्म। अब आप सोच रहे हो ठीक है मैग्नेट बन गया, अब एक काम करते हैं मैं एच को कम कर देता हूं। तो आपने एच को कम करना शुरू किया कि चलो लोहे का पीस वापस तो निकाल लूं, तो आपने एच कम किया कम किया कम किया, आई की वैल्यू भी कम 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 हुई, और हुआ क्या, आपने एच को क्या कर दिया, जीरो। आई की वैल्यू जीरो ना हुई क्योंकि एक बार लोहे का पीस जब मैग्नेट बन जाता है तो वो डी मैग्नेटाइज करना आसान नहीं होता, लाखों करोड़ों एटम है, क्योंकि वो तो खुद नेचर उसकी मैग्नेटिक ही है। तो जब आप उसको मैग्नेट बना देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना बंद कर देते हैं बाहर से, तो भी वो लोहा ही रहता है। आपने देखा होगा ऑल पिंस मैग्नेट से चिपके रहते हैं बहुत देर तक, दे एक्ट लाइक अ मैग्नेट, स्क्रू ड्राइवर और रगड़ो मैग्नेट के ऊपर वो मैग्नेट ही बन जाता है और बहुत देर तक रहता है। तो आपने तो फील्ड एच जीरो कर दिया पर आई की वैल्यू जीरो ना हुई, अभी भी लोहा मैग्नेट ही है आपका, क्योंकि उसके कुछ डोमेन्स अभी कुछ जो एटम्स हैं वो एक तरफ अलाइंड है। क्लियर है यहां तक? अब आप ये सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया यार, लोहे का पीस ज्यादा था मिला मैग्नेट, मुझे लोहा ही चाहिए, मुझे मेरा लोहा वापस ला के दो, तो क्या करेंगे, ऐसे तो बनता नहीं। तो अब आपको, क्योंकि सारे जो एटम्स हैं उनका डायपोल मोमेंट इस तरफ अलाइन हो चुका है, आपने एच जीरो कर दिया तब भी कुछ एटम का अभी भी इस तरफ अलाइंड है, जब तक वो अलाइनमेंट टूटेगी नहीं इस तरफ तब तक वो लोहा लोहा नहीं बनेगा। तो आपने क्या किया, आपने ये करने के लिए अपना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उल्टा अप्लाई कर दिया। जीरो में तो बात बनी नहीं, आपने फील्ड जीरो किया था, अभी भी वो ओरिएंटेशन ऐसी हुई है एटम्स की, आपने अब उल्टा बी अप्लाई कर दिया बाहर से, सोलेनोइड का करंट उल्टा कर दिया, तो बी इधर हो गया। तो अब वो सारी जो एटम्स के डायपोल मोमेंट इस तरफ है उनकी अलाइनमेंट इधर होनी स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब अब जब आप रिवर्स एच अप्लाई करोगे तब आई की वैल्यू जाके क्या होगी, जीरो। तो आपको कुछ एच उल्टा अप्लाई करना पड़ा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि करंट को उल्टा घुमाना पड़ा, बी को उल्टा करना पड़ा, एच को उल्टा करना पड़ा, ताकि आई क्या हो जाए, जीरो। अब लोहा लोहा बन गया आपका, उसमें आई क्या हो गया, जीरो।
क्लियर है। अब आपने ये सोचा यार उल्टा फील्ड अप्लाई कर तो दिया और बढ़ा देते हैं, तो जैसे ही आपने उल्टा फील्ड और बढ़ाया ये उल्टी तरफ मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गया, तो आई की वैल्यू उल्टी तरफ बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो जब आपने एच और बढ़ाया और बढ़ा, अब इससे ज्यादा आई इंक्रीज हो नहीं सकता, इससे ज्यादा आई इंक्रीज नहीं हो सकता, बस ये लास्ट वैल्यू है। अब आप सोच रहे हो यार लोहा उल्टा मैग्नेट बन गया, पहले इधर मैग्नेट था, अब सारे जो एटम्स हैं वो इस तरह लाइन हो गए, तो चलो ऐसा करते हैं एच को कम करके जीरो कर देते हैं। तो जब आपने एच को जीरो किया तो सब्सटेंस का आई कम हुआ, लेकिन एच जीरो करने पे सब्सटेंस अभी भी मैग्नेट ही है, वो सेम प्रॉब्लम। अब आप सोच रहे हो कि यार अब सारे जो एटम्स हैं वो इधर लाइन हो चुके हैं, जब तक अलाइनमेंट टूटेगी नहीं वो लोहा लोहा बनेगा नहीं, तोड़ने के लिए क्या करेंगे, उल्टा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया आपने, एच फिर इधर कर दिया, करंट फिर इधर घुमा दिया सॉलोनॉइड का। तो जब आपने उल्टी तरफ एच को अप्लाई किया तो आई की वैल्यू तब जाके क्या हुई, जीरो। फिर आपने और एच इस तरफ अप्लाई कर दिया तो आई फिर बढ़ता 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 यहां पे आ गया, और ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। पहले लोहा इधर मैग्नेट बनेगा, फिर वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर इधर मैग्नेट बनेगा, फिर डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर इधर मैग्नेट बनेगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, इधर मैग्नेट बनेगा, डी मैग्नेट। तो सब्सटेंस लोहा मैग्नेट बन रहा है, डी मैग्नेट, मैग्नेट डी मैग्नेट, मैग्नेट डी मैग्नेट, इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब, साइकिल का मतलब कि जैसे मैग्नेट फिर डी मैग्नेट, मैग्नेट डी मैग्नेट, तो ये क्या है, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस में कौन आगे कौन पीछे, मैं एच को पहले अप्लाई करता हूं आई बाद में इंक्रीज होता है, मैं एच को जीरो करता हूं आई जीरो नहीं होता, मैं एच को उल्टा अप्लाई करता हूं तब जाके आई जीरो होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में आई पीछे चल रहा है और एच आगे चल रहा है, तो एच की वैल्यू क्या चल रही है, इसमें आगे चल रही है, और आई की वैल्यू इसमें पीछे चल रही है। क्लियर है यहां तक? तो एच आगे चल रहा है, आई पीछे चल रहा है। तो इस प्रोसेस जिसके अंदर, इस प्रोसेस जिसके अंदर फिनोमेना ऑफ लैगिंग ऑफ आई, पूरे प्रोसेस में कौन लैग कर रहा है, आई किसके पीछे लैग कर रहा है, एच। व्हेन स्पेसिमेन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल, जैसे लोहा आयरन, स्पेसिमेन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल इज सब्जेक्टेड टू साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, करो मैग्निफिकेशन, मैग्नेटाइजेशन करो, करेक्शन करेक्शन, मैग्नेटाइजेशन, तो यहां पर लिखो सब्जेक्टेड टू साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मैं थोड़ी साथ से लिख रहा हूं तो थोड़ा राइटिंग ऐसी आएगी, पॉइंट समझ में आ रहे हैं, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर है यहां तक? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस को मैग्नेट बना रहे हैं, डी मैग्नेट बना रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइकिल ऑफ मैग्नेटिज्म बता दिया मैंने। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर है ना, इस ग्राफ के अंदर, ये स्टेरेसिस का ग्राफ है। रूल नंबर वन, मैंने ध्यान से देखना इस रूल को, मैंने आई को मैक्सिमम, यहां पर आई की वैल्यू, मैंने एच को जीरो किया था, यहां पर इस पॉइंट पर एच की वैल्यू क्या थी, जीरो। एच को जीरो करके अभी भी आई की कुछ वैल्यू इसमें पड़ी हुई थी, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। मैंने इसमें एच को जीरो किया, फिर भी इसमें आई पेंडिंग था, इसको बोलते हैं बचा हुआ मैग्नेटिज्म। क्यों भाई? क्योंकि एच को जीरो कर दिया फिर भी मैग्नेटिज्म बच गया लोहे के अंदर। बचे हुए मैग्नेटिज्म का दूसरा नाम है रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म। तो रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म वो आई की वैल्यू है जो बच जाती है जब एच की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। और इसका दूसरा नाम है रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी, इसका दूसरा नाम है रिटेंटिविटी, टीआई, रिटेंटिविटी, करेक्शन करना प्लीज, इसका दूसरा नाम है रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी या फिर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म किसे बोलते हैं, वो आई की वैल्यू जब एच की वैल्यू क्या है, जीरो। तो रिटेंटिविटी वो आई की बची हुई वैल्यू जब एच की वैल्यू क्या है, जीरो। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? अच्छा, अब ये बताओ इसमें ये बताओ कि अगर सपोज करो, ध्यान से देखना, यहां पर ये एच की वैल्यू है, ये वो एच की वैल्यू है जब आई की वैल्यू क्या हो गई थी इसमें, जीरो।
ये वो एच की वैल्यू मैंने अप्लाई की, यानी कि उल्टा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, उल्टा उल्टी डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई किया एच, ताकि मेरा आई क्या हो जाए, जीरो। इस एच की वैल्यू जो मैंने अप्लाई की, चाहे इधर की चाहे इधर की, इसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी वो एच की वैल्यू है जब आई जीरो है। रिटेंटिविटी वो आई की वैल्यू है जब एच जीरो है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूं, ये टर्म को आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये टर्म यूज करूंगा मैं। रिटेंटिविटी वो आई की वैल्यू जब एच जीरो, कोएर्सिविटी वो अप्लाइड एच की वैल्यू ताकि आई क्या हो जाए, जीरो। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? क्लियर है? ठीक है, आगे देखो। आगे इसमें एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट है जो आपको सीखना है, वो ये कि जितना ज्यादा ये एरिया बड़ा होगा हिस्टैरिसिस का, देखो अलग अलग मटेरियल का हिस्टैरिसिस करके देखते हैं लैब के अंदर, सब किया हुआ है लोगों ने, सॉफ्ट आयरन, निकल, गोल्ड सबके ऊपर लगा रखा है, हर का हिस्टैरिसिस का शेप अलग बनता है। तो जिसका वो एरिया शेडेड ज्यादा बनता है उसका एनर्जी लॉस भी ज्यादा होता है। क्यों होता है एनर्जी लॉस पता है? देखो आप कितनी उस आयरन के साथ कर क्या रहे हो, या उस स्पेसिमेन के साथ कर क्या रहे हो, आप पहले उसको इंस्ट्रक्शन देते हो कि सारे लाखों एटम इधर हो जाओ, फिर इंस्ट्रक्शन है इधर नहीं इधर चले जाओ, इधर नहीं इधर चले जाओ, तो जैसे वो घूमता घूमता इधर होता है अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर जाता है, और एनर्जी कहाँ जाती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। फिर वो फिर एनर्जी देते हो, फिर इधर आता है, फिर हीट। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे लोहा गर्म ही हो जाता है, या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल गर्म हो जाएगा जब आप उसको मैग्नेट डी मैग्नेट मैग्नेट डी मैग्नेट बनाओगे, अपने आप ही गर्म हो जाएगा। तो ये हीट लॉस है। जितना बड़ा एरिया होगा इसमें हीट लॉस उतना ही ज्यादा होगा, एरिया छोटा होगा हीट लॉस कम होगा। जैसे एक्सपेरिमेंट किया गया सॉफ्ट आयरन और स्टील पे, तो सॉफ्ट आयरन और स्टील में एरिया किसका कम है? सॉफ्ट आयरन का। तो जब आप इसे मैग्नेट डी मैग्नेट मैग्नेट डी मैग्नेट बनाओगे तो गर्म कौन कम होगा? सॉफ्ट आयरन का एनर्जी लॉस कम होगा और स्टील का ज्यादा होगा। अब देखो कितना बढ़िया तरीका है, आप मशीन बना दो, पता है उसमें मैग्नेट यूज होनी है और मैग्नेटिज्म का साइकिल चलेगा ही चलेगा, वो करने से पहले आप एक्सपेरिमेंट कर लो लैब में। तो लैब में सैंपल पे एक्सपेरिमेंट कर लो, जो ज्यादा हिस्टैरिसिस का ग्राफ ज्यादा बड़ा बना रहा है वो मत यूज करो, क्योंकि उसमें हीट लॉस ज्यादा है। तो एप्लीकेशन समझ में आ रही है कि हम क्या यूज करेंगे इसमें। अब इसके अंदर एक और चीज देखो, अब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बहुत प्रोबेबिलिटी है इसमें से कोई ना क्वेश्चन मिलेगा आपको, हिस्टैरिसिस में तो मुझे पता नहीं, पर अब ये पक्का आएगा। पहले तो ये याद कर लो सॉफ्ट आयरन और स्टील का हिस्टैरिसिस कैसा होता है, ठीक है, बनाना आ सकता है। फिर वो ये पूछेगा पहला क्वेश्चन, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, सॉफ्ट आयरन या स्टील? सॉफ्ट आयरन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मैग्नेटिज्म ज्यादा है, ये रीजन है। गलत है, सॉफ्ट आयरन नहीं यूज करते, स्टील करते हैं। अब ऐसा क्यों? देखो सुनने में पहली बार सॉफ्ट आयरन ही लगता है, रीजन क्योंकि जब मैंने एच को जीरो किया इसमें मैग्नेटिज्म बचा हुआ ज्यादा था और इसमें कम था, तो मुझे भी लगा कि क्योंकि इसमें मैग्नेटिज्म ज्यादा है तो फिर परमानेंट मैग्नेट मैग्नेटिज्म ही चाहिए तो ज्यादा है। नहीं, परमानेंट मैग्नेट का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा चाहिए, परमानेंट मैग्नेट का मतलब बहुत ज्यादा देर के लिए मैग्नेट रहे, देर के लिए, वैल्यू नहीं, वैल्यू कम ज्यादा कोई चक्कर नहीं, काफी समय के लिए मैग्नेट रहे। अब इसकी एक समस्या है, जब आप एच को जीरो करते हो नो डाउट इसमें मैग्नेटिज्म ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, पर सोचो अगर किसी ने उल्टा एच अप्लाई कर दिया, अगर किसी ने उल्टा एच अप्लाई कर दिया, ठीक है, उल्टा एच अप्लाई कर दिया तो रिवर्स एच अप्लाई करने से इसके आई को जीरो करना है तो कितनी कम वैल्यू चाहिए इसको, बहुत कम वैल्यू चाहिए, फटाफट डी मैग्नेट हो जाएगा। लेकिन इसको डी मैग्नेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा उल्टा एच अप्लाई करना पड़ेगा, रिवर्स फील्ड बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेगा, डी मैग्नेट बनेगा। तो परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट है जो बहुत देर के लिए और बहुत देर के लिए मैग्नेट बना रहे और एक्सटर्नल फील्ड का उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट ना हो, इसलिए हम स्टील यूज करते हैं, क्योंकि स्टील के अंदर हमें जो एच की वैल्यू रिवर्स जो अप्लाई करनी पड़ती है वो ज्यादा अप्लाई करनी पड़ती है ताकि वो डी मैग्नेट बने। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक?
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन की स्टील। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? बिजली से चलने वाली मैग्नेट, जैसे बेल या कहीं भी यूज होती है। अब प्रॉब्लम क्या है, हर वक्त बेल बजती रहेगी या इलेक्ट्रोमैग्नेट हर बार यूज होता रहेगा, तो आप कभी उसको ऑन कर रहे हो, कभी ऑफ कर रहे हो, कभी ऑन कभी ऑफ। तो ऐसा मटेरियल यूज करें जो हीट लॉस कम शो करे, क्योंकि उसमें गर्म हो ही जाना है। बेल्स खराब हो जाती हैं, पुराने जमाने की जो घंटी बजती थी बहुत पहले, जो अब तो इलेक्ट्रॉनिक बेल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, पहले तो वह टन 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 बजती थी। तो उसका प्रिंसिपल क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेट था। वो हैमर रखते थे, कटोरी रखते थे, वो बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपने सुना होगा। तो वो पहली बेल जो थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से वो मैग्नेट बन जाता था, हैमर उसको हिट करता था। तो मैग्नेट बना, फिर डी मैग्नेट कर दिया, मैग्नेट बना डी मैग्नेट, तो वो टन 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 बजता रहता, मतलब मैग्नेट बना तो चिपक जाता था, डी मैग्नेट तो हट जाता था, तो वो बेल बजनी स्टार्ट हो जाती थी। तो ये प्रिंसिपल था, और वो सड़ती बहुत जल्दी थी। क्यों? गर्म हो जाती थी, क्योंकि सारा दिन उस बेल ही बजाते रहोगे तो वो तो सड़ी जाएगी दो चार दिन में। क्यों? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट है। तो मटीरियल ऐसी बेल्स में या ऐसी जगह पे क्या यूज करेंगे जिसका हीट लॉस कम हो, और वो कौन है? सॉफ्ट आयरन। क्लियर है यहां तक? तीसरा जो इसकी एप्लीकेशन है वो है ट्रांसफॉर्मर के कोर्स। ट्रांसफॉर्मर के कोर्स होते क्या हैं? देखो, जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मर कुछ ऐसा, ये ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर हम अगले चैप्टर में करने वाले हैं। इसमें होता क्या है, ट्रांसफॉर्मर के यहां वायर्स हैं, जो हमारे गली में लगा होता है ना ट्रांसफॉर्मर, यहां वायर्स हैं। ये देखो, ये वायर्स हैं, फिर ऐसे ही यहां पर भी वायर्स हैं। ठीक है, तो हमारे घरों तक ऐसे बिजली आती है ट्रांसफॉर्मर के थ्रू। ट्रांसफॉर्मर का मैं वैसे जो है इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट चैप्टर में आने वाली है, सिंपल चीज बता देता हूं। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को अप कर देता है, ये एक बड़ा स्टेबलाइजर है, एसी के साथ लगा हुआ है। जैसे अगर मान लो आपकी वोल्टेज सिर्फ 2 वोल्ट रह गई, क्योंकि जब ट्रांसमिशन जो ट्रेवल करती है ना, बहुत डिस्टेंस, डैम बहुत दूर है, डैम से बिजली आनी है, कोई मजाक थोड़ी ना, तो कई किलोमीटर तक ट्रेवल करके आएगी। तो मोटी मोटी तारे हैं, I into R, पोटेंशियल ड्रॉप बहुत हाई डेवलप होता है। पीछे से भेजी 220 वोल्ट, घर पहुंचते 2 वोल्ट, 200 तो तारीख आ गई, तो 2 वोल्ट में क्या चलेगा, कुछ भी नहीं। तो बीच में क्या लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मर, 2 वोल्ट का वापस 220 कर देगा, फिर कम हो गई, फिर ट्रांसफॉर्मर। हमारे घरों में अगर वोल्टेज कम है तो डिपार्टमेंट क्या लगाएगा, यहाँ ट्रांसफॉर्मर लगा देगा, तो वोल्टेज ठीक हो जाएगी। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मर, और अगर फिर भी कम है, हम फिर भी डर के मारे क्या लगाते हैं, स्टेबलाइजर, कि अगर पीछे और कम होगी क्या पता लगता है, हम कम से कम इसको तो लगा लें स्टेबलाइजर। ये छोटा ट्रांसफॉर्मर है, तो ये भी वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है, मतलब 20-25 वोल्ट आराम से कर ही देता है ये भी। तो पॉइंट समझ में आया, ये ट्रांसफॉर्मर या जो भी ये, इसके ऊपर तो हमने काम नहीं करना। असली बात ये है कि जो ट्रांसफॉर्मर काम करते हैं बैटरी के ऊपर काम नहीं करता, ये एसी अल्टरनेटिंग करंट्स पे काम करता है। जो डैम से हमारे घरों में बिजली आ रही है वो अल्टरनेटिंग करंट्स है। अब ये अल्टरनेटिंग करंट्स कैसे होते हैं, हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, यही है हमारा अल्टरनेटिंग करंट्स। अल्टरनेटिंग करंट्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट्स की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, जैसे हमारे घरों में 4 एम्पियर करंट आ रहा है, तो वायर में 4 एम्पियर करंट कैसे जाएगा, ध्यान से देखना। करंट आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, मतलब 0 से 4 एम्पियर, 4 एम्पियर से 0 एम्पियर कर देगा। वायर में करंट कांस्टेंट नहीं है, वायर में करंट ऐसे है 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, डायरेक्शन चेंज, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, ओके डायरेक्शन चेंज, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0। और एक सेकेंड, 50 बार हो गया ऐसे वायर में, 50 बार हो जाता है, जो मैं आपको प्रोसेस 2 मिनट में समझा रहा हूँ, तो ये एक सेकेंड में 50 बार ऐसा हो गया। इतनी बार करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुका है और वैल्यू भी चेंज कर चुका है, ये इतना फास्ट है। क्लियर, हमारे घरों में ऐसे बिजली आती है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। ठीक, ये ऑल्टरनेटिंग करंट्स हैं। अब बात वो नहीं ऑल्टरनेटिंग, बात ये है कि इसमें करंट कॉन्टिन्यूसली वायर्स में क्या हो रहा है, चेंज, ज़्यादा कम डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं। तो सोचो इन वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, 0 से ज़्यादा, ज़्यादा से कम, फिर डायरेक्शन विल चेंज, क्योंकि करंट कैरिंग वायर क्या जनरेट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के हिसाब से चलेगा, करंट ज़्यादा है तो बी ज़्यादा है, करंट कम है बी कम है, करंट डायरेक्शन चेंज करेगा बी डायरेक्शन चेंज करेगा। अब प्रॉब्लम किसकी है, प्रॉब्लम ये लोहे की है, अंदर जो पड़ा हुआ है, आप इसको देख ही नहीं, लोहा कहाँ पर, आप वायर को देख रहे हो, करंट देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ लोहे के ऊपर काम है, हमारा काम इस चैप्टर में इसके ऊपर है। ये लोहे का पीस बड़ा परेशान है, क्यों परेशान है, ये अरे कमाल है यार, मेरे अंदर करोड़ों एटम्स हैं, उनकी सोचो,
आप कॉन्टिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, मेरे करोड़ों एटम का क्या हाल हो रहा है? कभी वो इधर जा रहे हैं आपके हिसाब से, कभी वो इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, और बिजली तो जाती नहीं है, बहुत कम जाती है, सदा ही चलते जा रहे हैं। तो सोचो हर वक्त वो एटम कभी इधर मैग्नेटिक मोमेंट सेट कर रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं, कभी इधर, एक सेकंड में 50 बार तो कर भी चुका। तो सोचो उसमें कितनी गर्मी जनरेट होगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी जो वो एकदम ख़त्म करेगा और हीट की फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। क्योंकि ये लोहे का पीस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कभी इधर, यानी कि आप क्या कर रहे हो, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो आप मैग्नेटिक फील्ड को कभी इधर, यानी कि लोहे के पीस को कभी मैग्नेट बना रहे हो, कभी डी मैग्नेट, कभी मैग्नेट, कभी डी मैग्नेट, तो कभी मैग्नेट इधर बन रहा है, कभी जीरो, कभी इधर बन रहा है, कभी जीरो, और हर वक्त बनता जा रहा है। तो ये लोहे का पीस गर्म हो जाएगा। तो हम कौन सा मटीरियल यूज़ करेंगे जो गर्म कम हो, और गर्म कम का मतलब जिसका हिस्टैरिसिस लॉस कम हो, किसका, सॉफ्ट आयरन। तो ये फेमस क्वेश्चन है कि हम सॉफ्ट कौन सा मटीरियल यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मर के कोर्स के अंदर, क्या आंसर है, सॉफ्ट आयरन। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इट विल अंडरगो साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसमें क्या लॉस होगा, हिस्टैरिसिस लॉस, हीट लॉस को क्या बोलते हैं इसमें, हिस्टैरिसिस लॉस, ताकि हिस्टैरिसिस लॉस कम से कम हो, ये इसका रीजन है।